पालमपुर बस स्टैंड बाईपास रोड के साथ लगे डंगे के नीचे नाले में सवेरे तड़के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गिरा पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी तो पाया गया कि व्यक्ति मृत है। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि व्यक्ति चंबा का रहने वाला है और यहां नौकरी करता था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डंगे के नीचे गिरने व रात भर बारिश होने के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक का नाम रमेश है और वह चंबा का बताया जा रहा है, जो कि पालमपुर के ही एक ढाबे में काम करता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। पालमपुर बस स्टैंड बाईपास रोड के साथ लगे डंगे के नीचे नाले में सवेरे तड़के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गिरा पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी तो पाया गया कि व्यक्ति मृत है। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि व्यक्ति चंबा का रहने वाला है और यहां नौकरी करता था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डंगे के नीचे गिरने व रात भर बारिश होने के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक का नाम रमेश है और वह चंबा का बताया जा रहा है, जो कि पालमपुर के ही एक ढाबे में काम करता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। पालमपुर बस स्टैंड बाईपास रोड के साथ लगे डंगे के नीचे नाले में सवेरे तड़के कुछ लोगों ने एक व्यक्ति को गिरा पड़ा देखा। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर मामले की जांच आरंभ कर दी तो पाया गया कि व्यक्ति मृत है। वहीं मौजूद लोगों का कहना है कि व्यक्ति चंबा का रहने वाला है और यहां नौकरी करता था। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि डंगे के नीचे गिरने व रात भर बारिश होने के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। आपको बता दें कि मृतक का नाम रमेश है और वह चंबा का बताया जा रहा है, जो कि पालमपुर के ही एक ढाबे में काम करता था। इस पूरे मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और मामले की तफ्तीश शुरू कर दी गई है। वहीं पोस्टमार्टम के बाद मौत के कारणों की पुष्टि होगी। लाइव टाइम्स टीवी के लिए पालमपुर से शालिका ठाकुर की रिपोर्ट। हिमाचल के सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा HR@goyalmotor.com पर।